दिलकुशा लखनऊ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, दिलकुशा लखनऊ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी टिक्का मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल, और चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं। ये देखिए, हमने अरबी ली है, अरबी को हमने छील लिया है, छील के इनको 80% हमने बॉईल कर लिया है। अब इसका हम अरबी टिक्का मसाला बनाएंगे और आपको दिखाते हैं इसका मैरिनेशन करके। मैरिनेशन के लिए हमको चाहिए 2 चम्मच बड़ी वाली दही, थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि हमारी ग्रेवी में भी नमक जाएगा, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट आधा छोटा चम्मच, और 1 चम्मच भर के हमारा घर का ब्रेड क्रम से ये हम डाल देंगे इसमें, करीबन 2 चम्मच। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपको कलर कम लगे तो कलर आप और डाल सकते हैं, इससे टिक्के का कलर बहुत शानदार आएगा। अब इसमें हम अरबी को मैरिनेट करेंगे, धीरे धीरे सारी अरबी को मैरिनेट कर देंगे। ये देखिए, और मैरिनेट करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। चलिए दोस्तों, हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है और जो हमारे टिक्के मैरिनेट होने के लिए रखे थे, अब इनको इसमें हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत हल्का तेल डालेंगे। हमने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल इसमें किया है। अब इसको हम डालते हैं, जब हमारा तेल हाई फ्लेम पे हो जाएगा तब इसमें हम अपने टिक्के डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो ऑयल है गर्म हो गया है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके अपने टिक्के डालेंगे और टिक्कों को हम इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने सारे टिक्के डाल दिए हैं अरबी के। अब इनको हम धीमी आंच पे इसको एक तरफ फ्राई करेंगे। जब एक तरफ ये हो जाएगा तो इसको पलट के दूसरी तरफ फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे टिक्के फ्राई हो गए थे, हमने इनको पलट दिया है। इसमें देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आया, और ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हमारे हो रहे हैं। इनको हम दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे टिक्के जो है बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करते हैं और आपको दिखा। हमने हाई फ्लेम पे कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच बस ऑयल डालेंगे। जब ये तेल अच्छे से हो जाएगा तो इसमें हम तड़का लगाएंगे। ये देखिए हमारा कप है, हमने इसी के हिसाब से 1/2 कप तेल डाला है इसमें। ये देखिए हमारा तेल हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा 1/2 चम्मच से कम जीरा डालेंगे। जीरा जब हो जाएगा तो इसमें 1 प्याली हम प्याज की प्यूरी डालेंगे, हमने 1 बड़ी प्याज पीस ली है। अब इसमें हम 2 टमाटर की प्यूरी डालेंगे, मीडियम आकार के थे 2 टमाटर। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और जीरा धनिया का भुना हुआ पाउडर, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये हमारा मसाले में जाएगा। और इसमें जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब देखिए हमारा दोस्तों मसाला हो रहा है। इसमें हम 2 चम्मच घर की फटी हुई मलाई डालेंगे, आपके पास अमूल क्रीम हो आप वो डाल सकते हैं, और इनको हम अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि इसमें तेल जो है इसका अलग हो जाए। नमक मिर्च दोस्तों आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको खाना है टेस्ट अकॉर्डिंग आप नमक और मिर्च डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो ग्रेवी का मसाला है वो रेडी हो गया है, साइड से इसमें तेल निकल रहा है। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, ऐसे से क्रश करके थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। अब ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमारी डिश जो है कितनी शानदार तैयार हो गई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए वीडियो देखने का। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी अच्छी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत वीडियो देखने का शुक्रिया।